इसके चुनाव को लेकर क्या तैयारी? देखिए, हमारी अभी तो नई पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी सेकुलर मोर्चा, उसमें समान दल वाले लोगों को सब इकट्ठे हो करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। इसलिए हम सब लोग इकट्ठे होकर के इस चुनाव लड़ेंगे। राजा भैया ने नई पार्टी बनाई है, आप पार्टी के साथ में राजा भैया की पार्टी से कवायद करेंगे उनको कि वो भी साथ में आए? हम सभी विपक्ष के लोगों से हमारा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब लोग एक हो जाएं। क्या रोल रहेगा अमर सिंह जी को, आप कहाँ देख रहे हैं? वो हमारे साथ नहीं है। किनके साथ है? अब ये भी मुझे पता नहीं। और हमारे दो कार्यक्रम हैं, अभी 9 दिसंबर को हमारी रैली है रमाबाई मैदान, लखनऊ का सबसे बड़ा मैदान है, उसमें रैली है, और कल नेताजी का जन्मदिन है। तो सभी हमारी पार्टी के लोग और सभी समाजवादी सेकुलर मोर्चा के लोग उनका जन्मदिन भी मना रहे और 9 दिसंबर की रैली में सभी शामिल होंगे। नेताजी आपकी पार्टी के साथ पूरी तरीके से हैं? नेताजी की इजाज़त से ही हमने पार्टी बनाई है और नेताजी का हमेशा आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा भी। समाजवादी पार्टी आपकी रैली में शामिल हो रही है? समाजवादी पार्टी का भी मैंने निमंत्रण नहीं दिया है। और एक और सुन लीजिएगा, जो भ्रम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तब वो ये राम मंदिर वाला मुद्दा उठाते हैं। हमारा कहना है कि विवादित जमीन पर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो या तो आम सहमति बनाए या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दें, और फिर विवादित जहां पर जगह है कहीं मंदिर बना लो, कहीं बना लो, लेकिन विवादित जगह पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। और सरकार के पास तो बहुत जगह होती हैं, कहीं बना लो। वहां बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? विवादित जगह पर नहीं बनना चाहिए।